बाल कट वाली है। हाँ यार बाल कट वाली है। की दवाई लग रहा है कसम से। ताली मारो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी भाई। यश के जो आने के अभी मैं उठाऊँ बिल्कुल मूड हो गए और अभी मैं उठते मुझे जाना है अभी बाल कटवाने। बाल कटवाने से आने क्योंकि शाम में मुझे जाना है दावत में और उन्होंने कहा था अगर बाल कटवाए बगैर अगर दावत में आए ना तो आना नहीं वरना बस इसलिए। वैसे मैंने सोचा था कि चांद रात पर जाएंगे लेकिन अम्मा की बात रखनी पड़ेगी अब और अभी जाना पड़ेगा। अभी 3:15 हो रहे हैं तो रश तो कल भी ऐसा बहुत था। भाई गया था 4 बजे और 6 बजे तक घर आया था तो मैंने कहा अभी चल के दे चले जाते हैं वरना रश तो होता ही रहेगा। हाँ भैया कैसा दिया? ये भी अच्छा बाल भी कटवा लिए भाई ने, बिल्कुल छोटे करवा लिए, साइडों से देखो बिल्कुल ख़त्म करवा लिए और ऊपर से हैं थोड़े बहुत हैं लेकिन ख़त्म नहीं करवाएंगे। तो भैया अभी आज शायद 27 या 28 शब है, मतलब रोज़ा 28वां है और इतना रश हो रहा है। मैं 3 बजे गया था और अभी मैं 5 बजे जा रहा हूँ तो रश तुम लोग सोच लो कितना होगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक बाल नहीं कटवाया तो ईद के लिए भी बाल कटवा लें वरना अगर भी बात तो बहुत रश होने वाला है। अम्मी वैसे सही कह रही थी, अम्मी बोल रही थी कि कटवा के चले जाना तो बस कटवा लिए नंबर इंटर वाली नहीं दे दी नानी की तो इसलिए कटवा लिए। और आज दावत में आने बताया है लेकिन दोबारा बता देता हूँ, दावत में आने भी नहाने आके कपड़े इस्त्री करने हैं, कुर्ता शलवार इस्त्री करना और उसके बाद ओह माय गॉड दावत में आने हैं। वैसे जब मैंने लास्ट टाइम कब बाल कटवाए थे, मैंने ब्लॉग नंबर 1 में बाल कटवाए थे याद आया मुझे, तब से ब्लॉगिंग स्टार्ट की इसके बाद अब जाके मेरे बाल कटे हैं कसम से। तो और उसमें शर्ट भी यही पहनी हुई थी मैंने उस ब्लॉग में, थोड़ा कोइंसिडेंस ओह माय गॉड। और हाँ एक और बात के अब ये लास्ट ब्लॉग है, अब डायरेक्ट ईद पे आएगा या फिर चांद रात पे आएगा। चांद रात पे मैं सोच रहा हूँ ना बनाऊँ, डायरेक्ट ईद पे बनाऊँ तो रमज़ान का ये लास्ट ब्लॉग है। सो बाय बाय रमज़ान, अब आएगा डायरेक्ट ईद पे, ईद के पहले दिन आएगा या रात में आएगा या दूसरे दिन सुबह में आएगा लेकिन आएगा जब मेरा पूरा प्लान है बनाने का ब्लॉग। भैया हो गया तुम्हारा भाई तैयार, देखो ब्लैक ब्लैक कुर्ता, वाओ व्हाट अ कुर्ता, व्हाट अ स्टाइल, व्हाट अ मैन, ओह माय गॉड। तो बस अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, अभी भाई नहा रहा है वो तैयार होगा, बस मैं और भाई रह गए। अम्मी जो हैं वो पहले से नानी के घर पहुँची हुई, अम्मी और दोनों बहनें। अम्मी ने कहा था कि तुम दोनों आ जाना, एक दिन पहले चली गई थी तो कुछ ज़रूरी काम था और कल हमारी नानी की बरसी भी थी क्योंकि उनका पिछले साल इंतकाल हुआ था कल 27 को। तो आज मतलब दावत जो है बहुत ग्रैंड दावत है, आज अफ्तारी की दावत है, पूरा घर आएगा हमारी, कम से कम 4 से 5 मेरी खाला है और एक मामू है तो वो सारा घर भरा होगा खचा खच्चो चो। यार एक और बात है कि ना मुझे घड़ी नहीं मिल रही तो मुझे पहनी जानी है, मैंने अलमारी में भी ढूंढी लेकिन मिल नहीं रही, दोबारा ढूंढना पड़ेगा। चलो और मुझे अपने भाई हमजा की ना एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि जब भी हमें कहीं जाना होता है ना सबसे पहले बाइक चमका देता है, मुफ्ते में बाइक चमक जाती है, बहुत अच्छा लगता है। गुड ब्रो, गुड गुड जॉब ब्रो। अल्लाह के फजल करम से हम लोग ऑन टाइम 6 बजे तक पहुंच गए थे, हालांकि ट्रैफिक बहुत था लेकिन हम लोग आधे पौने घंटे पहले निकल गए थे क्योंकि हमें पता था कि ट्रैफिक होगा अफ्तारी की वजह से। ट्रैफिक तो था बॉस लेकिन वो ट्रैफिक गाड़ियों वाला था और हम बाइक पे थे, हाउ लकीली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मसरूफ था और काफ़ी लोग भी आए हुए थे तो बहुत ही एक्वर्ड फीलिंग आ रही थी व्लॉग बनाने में, तो इसलिए ये एक शॉर्ट ले लिया और इसके ऊपर मैंने वॉइस ओवर लगा ली। इस साल के रमज़ान में मैंने मुश्किल से 3 से 4 अफ्तारें ऐसी होंगी जो मैंने बाहर गुजारी होंगी वरना सारे रोज़े मैंने घर में ही खोले। हाँ भैया घर आ गए हैं, वापसी आ गए हैं, 10:15 अभी टाइम हो रहा है और अभी बिल्कुल आए हैं। मैं और हमजा आ गए थे बाइक पे, अम्मी को बिठा दिया था ऊबर में तो अम्मी आई हैं ऊबर में। तो यार अभी कपड़े वपड़े चेंज करने हैं, पुराने कपड़े पहनने हैं, अपने घर के जो कपड़े हैं वो पहनने हैं और गली में निकलना है। तो यार व्लॉग क्योंकि बनानी है तो व्लॉग बनाने के लिए तो गली में निकलना पड़ेगा और लड़के खेल रहे हैं, मैंने अभी देखा लड़कों को लड़के खेल रहे हैं और बुला भी रहते हैं कि कहाँ चले गए आज दावत में।
मैंने कहा यार दावत में आज चले गया था मैं तो, देख रहे हैं भाई कुर्ता वुर्ता पहना हुआ था, ब्लैक बाल कटिंग हुई है, कहीं बड़ी दावत में गया था। तो मैंने कहा भाई हाँ भाई बड़ी दावत थी घर की। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं अंधेरे में क्यों खड़ा हूँ। अंधेरे में मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मेरे पास लाइट का मसला हो रहा था, क्योंकि जहाँ मैं बैठ के करता हूँ वहाँ पर मैं इसलिए नहीं कर रहा, अब वहीं पर बैठे रहेंगे तो थोड़ा यहाँ आ गए और सामने मैंने लाइट रख दी, तो इसलिए जब मैंने अंधेरा करा तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ रहा था। अभी मैं ये लाइट खोल दे रहा है, ये मुँह पर आती जाता है, ये मुँह पर आती, तो इसलिए लाइट बंद करके जब मैंने देखा तो बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा था, तो इसलिए मैंने लाइट बंद करके ही रिकॉर्डिंग की। तो भाई अभी मुँह हाथ धोना है, कपड़े चेंज करने हैं, पुराने कपड़े पहनने हैं घर के, और गली में उतरना है खेलने के लिए। ओ माय गॉड व्हाट अ प्लान। हाँ यार बाल कटवाली की दवाई लग रहा है कसम से। ताली मारो। दुल्ला भाई खुल गई इतनी जल्दी दोबारा। चल अंदर चलिए। गेलन अबे ओ गेलन इसे तो खुला है, खुला है। ये कैच हो गया भाई। वाह आगे हो रही हो रही हो रही। उधर देखो उधर देखो इधर मेरी रोशनी जा रही है। अब्दुल्ला को मारो ना यार, अभी बैठ जाओ, अभी क्या करना तुम्हें। अब्दुल्ला ये अब्दुल्ला भाई चीटिंग कर रहे यूसुफ कुछ कर ही कर दो, अब्दुल्ला को आउट कर दो। चलो शाबाश सेलिब्रेशन ना करे भाई, जीत गया भाई किंग।